पानी में सरकार या बंगाल में बना पाएगा? सरकार का ट्रेंड है उसमें ऐसा लगता है कि जनता ने मन बनाया ममता जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का, ऐसा लगता है मुझे। पर हम शाम तक इंतजार करेंगे, हम देखेंगे, और हमने जो अपेक्षा की थी वैसा परिणाम नहीं, फिर भी हमने बहुत प्रगति की है। हम पिछले विधानसभा में 3 थे, आज 3 से हम आगे बढ़े हैं, तो कितना आगे बढ़ते हैं शाम तक पता लगेगा। कैसे क्या लग रहा है, बीजेपी का विजय है क्या या दीदी का विजय है जी? ये पीके का जो कैंपेन है उसका जय है या दीदी? देखिए ऐसा है कि ममता जी निश्चित रूप से बंगाल की नेता हैं, और अगर जीत भी होगी तो ममता जी की होगी। सर, होम मिनिस्टर से बात हुई है, अमित शाह जी खास इस चुनाव के ऊपर बहुत मेहनत किया है, क्या उनसे बात हुई है इस चुनाव के परिवार में? हाँ, सामान्य चर्चा हुई मेरी, उन्होंने मुझसे परिणाम के बारे में जानकारी ली है, क्योंकि और कोई ऐसी कोई ऐसी बातें हो जो आपको बताने लायक ऐसी कोई बात नहीं। सर, बाबुल सुखेल लॉकेट। हाँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है, बाबुल दा का हारना आश्चर्यजनक है, लॉकेट जी का हारना आश्चर्यजनक है, राहुल जी का हारना पीछे होना आश्चर्यजनक है। कुछ सीटें ऐसी है जिनके जो लूज कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य। सर, कहाँ पे चूक रह गया बीजेपी का, क्योंकि हम लोग ने देखा कैंपेन। शाम को देखेंगे, समीक्षा करेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे। कैलाश जी, लगातार आप भी यहाँ पे मेहनत किए हैं, कहीं ना कहीं जमीन को पकड़ के रखे थे, क्या ऐसा हुआ कि जिससे बीजेपी इतनी दूर चली गई? देखिए, इमोशनल कार्ड हो सकता है, चोट लगी है दीदी को वो हो सकता है, ये बात हो सकती है कि बाहरी ये वाली बात हो सकती है, कुछ ना कुछ है ऐसा। समीक्षा करेंगे, कैंडिडेट सिलेक्शन का गड़बड़ ऐसे कुछ है जो लोग नहीं? कैंडिडेट तो हमने अच्छे चयन किए, जो बेस्ट कैंडिडेट वही लड़े हमारे यहाँ, और अब शाम को सारे परिणाम आने के बाद इसके ऊपर आपसे पूरी चर्चा करेंगे। तो ऐसा कुछ जो तृणमूल से बीजेपी से गया है कभी लोग, इसलिए कुछ चलो भाई, चलो बोलो,